आइए चलते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है के सेट पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विजय विश्वकर्मा। उनसे जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। चुनावी बिगुल बज चुका है, चारों तरफ राजनीति की विषाद बिछ चुकी है। सभी नेता एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे हैं। जनता के बीच जाने की बजाय अपने आकाओं के बीच जनप्रतिनिधि पहुंचकर टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है कि उनकी अभी तक सीटें निर्धारित नहीं हुई है, उनके प्रत्याशी अभी यहाँ तय नहीं हुए हैं, बावजूद इसके वो चारों तरफ भटकने में मजबूर हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर, कौन प्रत्याशी हो सकते हैं जो यहाँ पर कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछला चुनाव हार चुके हैं और कुछ ऐसे नए प्रत्याशी, नए चेहरे कांग्रेस लेकर आने वाली है जो जिन पर उम्मीद है कि वो कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करंट अफेयर एडिटर अनिल जी और चीफ एडिटर जावेद जी। आप दोनों जन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आगे बढ़ाएं इसके पहले हम यहां पर कांग्रेस की स्थिति को जान लेते हैं। अनिल जी, क्या लगता है कि कांग्रेस की यहां पर स्थितियां क्या है? देखिए विजय जी, कांग्रेस का गढ़ रीवा को माना जाता रहा, लेकिन पिछले 15 सालों में स्थितियां उलट सी गई हैं और एक बार फिर कांग्रेस अपनी जमीन को बनाने के लिए पूरी तरह से ताकत लगा चुकी है। कांग्रेस में पहले स्थितियां यह थी कि कांग्रेस से लोग भागकर भाजपा की ओर जा रहे थे, इस बार के चुनाव में उल्टी स्थितियां दिख रही हैं। लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर ज्यादा आ रहे हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला नाम तो है जिला पंचायत अध्यक्ष का, अभय मिश्रा जी का, जो भाजपा से विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी अभी भी विधायक है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की भी स्थितियां हैं। मैं आपको यहां बता दूं कि कल ही जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी घोषणा की है कि उनकी पत्नी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सिमरिया से नहीं लड़ेगी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से इस बार पुराना विधायक भी चुनाव नहीं लड़ेगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है, पिछले चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस नहीं, राहुल जी के आने के बाद से बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा, माफ करिएगा, बीजेपी का कब्जा है और लगातार कांग्रेस यहाँ पर जमीन तलाश रही है कि उनका कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ पर निर्धारित किया जाए जो उनकी नैया को पार लगाए। ऐसे में क्या लगता है कि रीवा विधानसभा में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कौन कौन होंगे? देखिए, रीवा में पिछले 15 सालों से अजय योद्धा के रूप में राजेंद्र शुक्ल जी फिर से चुनाव लड़ेंगे, लगभग ऐसा ही है। और राजेंद्र शुक्ल की टक्कर देने के लिए कांग्रेस को तलाश है ऐसे कद्दावर नेता की जो राजेंद्र शुक्ला को हरा सके जी। तो ऐसे में पहला नाम जो आ रहा है, उसमें नाम सीधे सीधे आ रहा है अभय मिश्रा का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और राजेंद्र शुक्ल को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार आरोपों से घेरते रहे हैं। आरोपों से घेर कर उन्होंने कई बार भाजपा की मुश्किलें भी खड़ी की हैं। तो जावेद जी, एक तरफ विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ल तो दूसरी तरफ अभय मिश्रा, क्या लगता है आपको कि टक्कर कैसी होगी? टक्कर विजय जी, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र शुक्ल पिछले 15 साल से यहाँ विधायक है, मंत्री है, वो कांग्रेस में पहले से रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए अभय मिश्रा यहाँ पर एक गंभीर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर और भी जो 3-4 नाम कांग्रेस में चर्चा में है, जैसे राजेश शर्मा जी का नाम है, महिला कोटे से अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर कविता पांडे का नाम है, पिछले बार चुनाव लड़े डॉक्टर मुजीब खान, वो भी कह रहे हैं मैं टिकट मुझे लड़ूंगा। यहाँ पर एक उम्मीदवार और है, समर्थ सिंह। इन चारों में से राजेश शर्मा पिछले मर्तबा प्रत्याशी थे और ये देखा गया कि उनकी जो वोट खींचने की क्षमता थी बहुत कम थी, उनको बहुत कम वोट मिल पाए। लेकिन राजनीति में, देखिए राजनीति में आपका कहना सही है, राजनीति में
बिल्कुल कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। सबसे बड़ी चीज कि राजेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, पिछले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, अगर होता तो वो भी फाइट करते और निकल जाते, लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं। भाजपा के लिए कई स्थितियां ऐसी बनी हैं जो भाजपा को लगातार उल्टा घेर रही हैं। SC ST एक्ट भी भाजपा के लिए मुसीबत का एक कारण बना हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग ही रहे हैं। तो कैंडिडेट कोई भी होगा, जो जावेद जी ने अभी 5 नाम दिए, 5 नाम में से किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी सी कांग्रेस के लिए पहले की तुलना में बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जी मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में काफी अंतर है। इस चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं है, ये चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और ये भी तय मानिए कि विंध्य में भाजपा का सबसे मजबूत प्रत्याशी अगर कोई है तो है निश्चित रूप से राजेश शुक्ल। उनके खिलाफ चुनाव लड़ना जो भी प्रत्याशी होगा काफी मुश्किल जाएगा। जावेद जी ये मत बोलिए, सत्ता का हमेशा विरोध होता है, जो सत्ताधारी दल का नेता होता है, जो लगातार 15 साल से राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और पहला चुनाव जो उन्होंने 2003 में जीता था उसे मत भूलिए, 65,000 वोटों से जीता था, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई सी दिखाई दे रही हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों कविता पांडे लगातार यहाँ पर सक्रिय रही, उन्होंने कई जनसभाएं की और लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस कहती है कि हेलीकॉप्टर से उतरे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी, और अभय मिश्रा बीजेपी से कांग्रेस में आकर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कद्दावर नेता के रूप में चर्चित हो गए और दावेदार भी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर गुटबाजी की मार झेलेगी? नहीं नहीं, गुटबाजी की स्थितियां इस बार अंततः नहीं रहेगी। चुनाव के टाइम पे गुटबाजी कांग्रेस अगर करेगी तो फिर पिछली स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, इसलिए कांग्रेस के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी गुटबाजी कहीं भी न रहे और सब एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से काम करें। ये अभी तक देखा भी गया है, अभी तक कांग्रेस ने राहुल गांधी में देख लीजिए, राहुल गांधी के दौर में पहले सिंधिया जी आए, यहाँ जितने भी नेता आए, बड़े नेता आए या कांग्रेस की जो भी छोटी छोटी मीटिंग हुई है, उन सब में सारे कांग्रेसी अभी तक एकजुट है। अगर यही एकजुटता कांग्रेस की बरकरार रही तो विंध्य में निश्चित रूप से प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले बेहतर हो जाएगा कांग्रेस का। रीवा विधानसभा में छत्री मतदाता भी प्रभाव डालते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक प्रत्याशी ऐसा है जो छत्री समाज से जाता है, सामर्थ सिंह। क्या लगता है कि सामर्थ सिंह यहां पर कोई असर डाल पाएंगे? देखिए, रीवा में जो भी चुनाव होते हैं अंततः वो सब जातिगत समीकरण पर आधारित हो जाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस में समर्थ सिंह एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, उनका एक अपना, उस परिवार का एक अपना जनाधार है, उनके पिताजी यहाँ पर एक बहुत बड़े वकील हुए हैं, तो उनको टिकट मिलता है, और जातिगत समीकरण अगर बेहतर होते हैं तो निश्चित रूप से राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ, मैंने जितने भी नाम लिए, बात आती है जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है काफी प्रभावशाली होते हैं और वो चुनाव में खासा असर डालते हैं, ऐसे में मुजीब खान का क्या होगा यहाँ पर, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहते हैं? देखिए, मुजीब खान जी 2 चुनाव लड़े और मुजीब खान जी ने मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह से रिझा लिया था, 18,000 से 20,000 तक उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के वोट मिले, और लेकिन कांग्रेस की स्थितियां तो बेहतर नहीं थी, अगर बेहतर होती तो मुजीब खान जी के वोट्स निश्चित तौर पर बढ़ते, लेकिन जातिवाद का जो असर है विंध्य क्षेत्र में हमेशा से देखने को मिलता रहा है, और यही कारण था कि कुछ इलाकों में बसपा ने अपना प्रभाव दिखाया था। शायद अनिल जी यही वजह थी कि यहाँ पर BSP दूसरे नंबर पर हमेशा काबिज हो जाती है, वोटों का अंतराल जो इस तरीके से ध्रुवीकरण होता है, जातिगत समीकरण कुछ ऐसे बनते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर अंत में विकास एक साइड में हो जाता है, जातिगत मुद्दों पर चुनाव होता है और उसके आधार पर यहाँ पर उलटफेर होता है। बिल्कुल, हम रीवा विधानसभा की चर्चा और फिर आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले हम बात करते हैं गुढ़ विधानसभा की, जो रीवा जिले की एक प्रभावशाली विधानसभा है, जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी विजय हासिल करके वहाँ पर अभी सत्तासीन है। क्या रहेगा गुढ़ का हाल? देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो भोपाल के सूत्र बताते हैं, तो सिटिंग एमएलए होने के कारण उन्हें फिर से एक बार मौका दिया जा सकता है, लेकिन बीच बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि सुंदरलाल जी को इधर से वहां से शिफ्ट किया जा सकता है देवतलाव,
या सुंदरलाल जी को गौड़ से शिफ्ट करके सिमरिया ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो और बाकी के कौन से संभावित प्रत्याशी वहां पर हो सकते हैं जो कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे? देखिए वहां पर दो कैंडिडेट और हैं जो पिछला चुनाव लड़ने का अनुभव रखते हैं, जिनकी गांव-गांव में पकड़ है। पहला नाम तो सुंदरलाल जी के बाद मैं लूंगा राजेंद्र मिश्रा जी का, संसदीय सचिव भी रहे और संजय मंच से जुड़े रहे काफी दिनों तक, और इसके बाद वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। और एक नाम और आता है बृजभूषण शुक्ला का, 1993 का चुनाव इन्होंने लड़ा था और काफी कम अंतर से हारे थे। तो स्थितियां ऐसी बन सकती हैं गोड़ क्षेत्र की, अगर सुंदरलाल तिवारी जी को शिफ्ट किया जाता है तो राजेंद्र मिश्रा और बृजभूषण शुक्ल दो नाम ऐसे हैं जिनको मैदान में कांग्रेस एक बार फिर से उतार सकती है। जी बिल्कुल, राजेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक हैं और उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा उनका, लगातार सक्रिय भी रहे। ये बात और है कि पिछला जो चुनाव हुआ उस पे उनको टिकट नहीं मिल पाई थी, क्या लगता है आपको कि अगर राजेंद्र मिश्रा को वहां पर टिकट मिलती है तो क्या स्थितियां होंगी? देखिए विजय जी, गुण मैंने अभी आपको शुरू में कहा था, जातिगत समीकरणों पर वहां का चुनाव आधारित है। वहां परिस्थितियां ऐसी हमेशा हो जाती है कि वहां का जो भी ब्राह्मण कैंडिडेट होता है वो अपने आप मजबूत हो जाता है, कुछ ऐसा समीकरण बनता है। लेकिन इस बार वहां भी स्थितियां उल्टी दिखाई दे रही हैं। जैसा मैं आपको पिछले चुनाव की तरफ ले चलूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट थे, नागेंद्र सिंह जी वहां पर थे, वो चुनाव हार गए थे कपिध्वज सिंह की वजह से। लेकिन इस चुनाव में अगर कपिध्वज सिंह को कोई पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से वो काफी मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे, उनका जनाधार भी है, उनका उस इलाके में काफी प्रभाव भी है, वो तरह तरह के आयोजन करके अपना एक असर उस क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे अभी आपने कांग्रेस की बात की, मैं आपको बता दूं कांग्रेस से ये जो दोनों नाम आपने लिए, अनिल जी ने जो नाम लिए राजेंद्र मिश्रा और बृजभूषण शुक्ला का, सुंदरलाल तिवारी अगर किसी वजह से दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं तो ये अपना असर निश्चित रूप से छोड़ने में कामयाब होंगे। सिमरिया विधानसभा जी, सिमरिया विधानसभा में वर्तमान में जो हालात पैदा हो गए हैं कि सिमरिया विधानसभा की, माफ करिएगा, सिमरिया जो विधानसभा है वहां की विधायिका ने अभी ऐलान किया है कि वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और क्या प्रभाव रहेंगे उसे? देखिए रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा ऐसी विधानसभा सीट हो चुकी है जहां पे एक लंबी सूची बन गई है, कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट है और दो बार से वहां पे सिंबल जो रहा वो भाजपा का रहा, भाजपा का ही विधायक चुना जाता रहा है। जैसे अभय मिश्रा जी पहले विधायक हुए जबकि 2008 में परिसीमन के बाद पहला पहले अगर चुना गया तो अभय मिश्रा चुने गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी आई, तो दोनों बार जो है भाजपा का कब्जा रहा। संयोग यह है कि इस बार अभय मिश्रा जी कांग्रेस में शामिल हो चुके, उनकी पत्नी भी संभवतः चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है और भाजपा से तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एक लंबी लाइन बन चुकी है वहां पे। मैं आपको बता दूं अभय मिश्रा के और यहाँ के कांग्रेसी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के वजह से ही पूर्व में यहाँ पर पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरा उनसे एक इंटरव्यू हुआ था, उस दौरान मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो बातचीत के दौरान मुझे कुछ ऐसा लगा था कि वो सिमरिया से चुनाव लड़ने के मूड में है। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि महाराजा पुष्पराज सिंह सिमरिया जाना चाहते हैं और ये तय भी है कांग्रेस की जो अभी सूची संभावित सूची है उसमें सबसे पहला नाम महाराजा पुष्पराज सिंह का है। अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो वहां पर दूसरा प्रत्याशी कौन है जो कद्दावर नेता के रूप में कांग्रेस के सामने है? देखिए शहर जो ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं त्रियोगी नारायण शुक्ल, जिनको भगत के नाम से जानते हैं, बिल्कुल वो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। और इसके बाद नाम आता है प्रदीप सोहगौर और सत्यनारायण चतुर्वेदी का, ये दोनों उसी क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं और लगातार क्षेत्र में जनता के बीच आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको लगातार पिछले 5 सालों से उनका प्रयास जारी है। अब स्थितियां क्या बनती है तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, अगर महाराजा पुष्पराज सिंह सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो बिल्कुल रुख कुछ अलग ही होगा, हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मऊगंज विधानसभा की, जहां पर अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक सत्तासीन हैं। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप?
क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बुरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय करते कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करते। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। जय हिंद। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, हॉलमार्क ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, जड़ाव सेट, लाइट वेट ज्वेलरी एवं शुभ विवाह कलेक्शन की भरपूर वैरायटी। IGI सर्टिफाइड डायमंड कलेक्शंस, चांदी के 100% प्योरिटी वाले बर्तन सेट, सिक्का, मूर्ति, एंटीक आइटम्स, सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। हमारा पता, वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नियर बाल भारती स्कूल, नरेंद्र नगर, अमैया रोड, रीवा। हमारा फोन नंबर 4211332-55174 और मोबाइल नंबर 9926471985। आपका वर्षों पुराना विश्वास, वर्षा गोल्ड पैलेस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं मऊगंज विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस के विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना संभावित प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान में वो विधायक भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनकी टिकट पूरे बरकरार रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने पहला जो मूड बनाया है, जो प्रदेश का नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, इन्होंने दोनों ने ये तय किया है कि जो सिटिंग एमएलए हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको टिकट दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने क्षेत्र में प्रयास किए हैं, काफ़ी कुछ सवाल उठाए हैं। जहां तक सुखेंद्र सिंह बन्ना की बात है, सुखेंद्र सिंह बन्ना एक ऐसा नाम है जिसने मऊगंज क्षेत्र में कांग्रेस को लगातार एक नया आयाम दिया है। वो सुखेंद्र सिंह बन्ना की टिकट कटने के चांस मुझे तो लगते नहीं जी। बिल्कुल, जैसा कि वहां पर पहले बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था और लगातार IMP वर्मा काबिज रहे, फिर इसके बाद लक्ष्मण तिवारी भी वहां पर जीत हासिल कर सके, उसके बाद जो है सुखेंद्र सिंह बन्ना ने फतह हासिल की थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो पैनल बना हुआ है, तो रीवा जिले का केवल मऊगंज क्षेत्र ऐसा है जहाँ पैनल में केवल और केवल एक नाम है, वो सुखेंद्र सिंह बन्ना का है। अपने जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुखेंद्र सिंह बन्ना, कांग्रेस ने जो भी टिकट का क्राइटेरिया बनाया, उस सारे क्राइटेरिया में सुखेंद्र सिंह बन्ना का नाम आता है। उनका टिकट 100% तय है कि वो मऊगंज से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। रीवा में और सब जगह कई नाम हो सकते हैं, जैसे गुड़ में अपन ने 3 नाम दिए, लेकिन वहां भी अगर सुंदरलाल जी चुनाव लड़ेंगे तो केवल सुंदरलाल जी लड़ेंगे, सुखेंद्र सिंह बन्ना मऊगंज में लड़ेंगे, और फिर आप बाकी आगे देखिए कैसा क्या होता है, ये तो फाइनली टिकट के बाद ही होगा। वक्त हो गया है आज आपसे विदा लेने का। नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें हमारी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।